अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने ये अरेबियन लुक क्रिएट किया था। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग सबके साथ ट्यूटोरियल भी शेयर करें, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। आजकल टिकटॉक पे और बाकी दूसरी प्लेटफॉर्म पे ये बहुत चल रहा है इस तरह का लुक। सो मैंने क्रिएट किया है, ये ही मेरी आइस और राहिद मेरी लाइट ले गया। एनीवेज, सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाला मेकअप सीखना है सो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। राहिद गिव मी द लाइट, थैंक यू। अच्छा, अगर आपको ये मेकअप सीखना है सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेंगे अपनी स्किन को प्रेप, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राइटनिंग सीरम। उसके बाद मैं ये आई लॉक सिल्क की ये क्रीम है, जो कि मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ क्योंकि मेरे अंडर आई डार्क सर्कल्स बहुत हैं। ऐसा एज सच नहीं है, मेरे जो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपका टेयर डक्ट है, मतलब मेरी आईज में अंदर है मेरी आईज ना। सो अच्छी आई क्रीम है, हाइड्रेट करती है आपकी आईज को और अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है। ये मैंने अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, ये है द ऑर्डिनरी का नेचुरल मॉइस्चराइज़र। बेबी स्किन की मेरे पास है ये, तो ये हम यूज़ करेंगे अपने पोर्स पे। मेरे पोर्स माशाल्लाह से काफ़ी हद तक काम हो गए। ओके, क्योंकि मैं हैवी आई मेकअप करने वाली हूँ तो पहले मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी अपने फेस पे, पहले मैं अपनी आईज़ करूंगी उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, ठीक है। ये लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का आईब्रो पैलेट, और उसमें से मैंने ब्राउन शेड लिया है और अपनी आईज़ अपनी आईब्रो करूँगी। अरेबिक गर्ल्स जो होते हैं ना, उनके आईब्रोज बहुत डार्क सी होती है, इस तरह की होती हैं। सो इसको भी थोड़ा डार्क करूँगी मैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास O2O का ये आई शेडो जो प्राइमर होता है, आई प्राइमर है ये। सो ये लूँगी, काफ़ी क्रीमी है ये, और इससे मैं अपनी आईलेट को पूरा कवर कर दूँगी, ठीक है। सो ब्यूटी ब्लेंडर में लेकर आ गई हूँ, उससे करेंगे इसको ब्लेंड अच्छे से। ओके, यहाँ पे हम इसको कॉम्पैक्ट पाउडर कोई भी ले लें आप, मैं O2O का ले रही हूँ, इससे सेट कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, अब हम जो भी आई शेड लगाएंगे ना, आई शेडो लगाएंगे अपना, सो वो उसका राइट कलर उठ के आएगा और अलग सा वो कोई कलर नहीं बन जाएगा, हमारी आई का कलर मिलके और वो अलग सा डिफरेंट सा बन जाता है। सो वो इसलिए होता है क्योंकि आप प्राइम नहीं करते। अब मैंने प्राइम कर दिया, आप जो कलर में लगाऊंगी ना वो उसका अच्छा लुक आएगा। ओके, सो ये वाली आई कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि आई शेड लग चुका है, बाकी चीज़ें रह गई हैं। सो जल्दी से इस पर मूव करते हैं। ब्रश इस तरह का थोड़ा एंगल वाला ब्रश है, और यहाँ से मैं लूँगी ऑरेंज शेड, ठीक है, और इससे इस तरह से आपने, अच्छा उसके बाद में ये ब्राउन शेड लूँगी, ठीक है, और इससे कॉर्नर पे ब्लेंड कर, ठीक है थोड़ा। और इसमें से मैंने लिया है ब्राउन शेड, ठीक है, ये ब्राउन शेड लेंगे। यहाँ से हमें क्लीन करना है, सो इधर की टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे बस अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए। लेंगे इस तरह का ब्रश, ठीक है, फ्लैट ब्रश है, लाइनर ब्रश जिसे कहते हैं, और यहाँ से मैंने लेना है ब्लैक शेड, और इससे एक रफ सा लाइनर लगाना है। देखो रफ सी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इसको हम करेंगे ब्लेंड।
से ब्लेंड हो गया। मैं ये गोल्डन इसमें से कलर है ये वाला, ये ठीक है ये लूँगी। इस पैलेट में से मैं ये ग्रीन शेड लूँगी, ये ग्रीन देखेंगे, बहुत ही अच्छा ग्रीन सा बॉटल ग्रीन कलर है। और इसको कॉर्नर में ब्लेंड कर देंगे। ओके, आई शेड हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये प्रोसेस भी बहुत ही ज़रूरी है, हमने वाइप्स लिया और इस तरह से क्लीन कर, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द मेकअप करेंगे, पहले फाउंडेशन लगा, पहले कंसीलर लगाएंगे। फाउंडेशन में यहाँ पे आर्टी डेको लूँगी, ठीक है, इसके दो पम्प, और यहाँ पे फिट मी, इन दोनों को मैं मिक्स करके लगाऊँगी। इसका जस्ट वन पम्प और इन दोनों को मिक्स करेंगे। हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट पाउडर, उसके बाद हम काजल लगाएंगे और मस्कारा लगाएंगे। फुल आईज़ पे आपने काजल लगाना और अच्छे से मस्कारा लगाना। आईज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, बस एक चीज़ रह गई है, वो है लाइनर। लाइनर की, ठीक है, राहिब भी मेरे साथ उठ चुके हैं। प्रॉपर लाइनर नहीं लगाना, बस यहाँ पे एक लाइन बनानी है अंदर की तरफ और यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालना है। सो प्रॉपर लाइनर की ज़रूरत नहीं है। लैशेस मैं इनमें से कोई लगा के आ गया। फाइनल लुक, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये रहा मेरा मेकअप, और थैंक यू सो मच वॉचिंग। लास्ट में एक बार ज़रूर बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जल्दी से जाएं इसी टाइम पे सब्सक्राइब का बटन हिट करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।